आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, कल रात 1 जून 2021 को जीएसटी के अंदर 12 नोटिफिकेशंस आई हैं। सर, ये नोटिफिकेशंस क्यों आई हैं इसका मतलब समझ लीजिए। जो हमारी प्रेस रिलीज आई थी, अब उस प्रेस रिलीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन का आना जरूरी था। हालांकि इन 12 नोटिफिकेशन में ऑलमोस्ट वही सारा कंटेंट है जो प्रेस रिलीज में है। अगर आपने हमारी प्रेस रिलीज वाली पूरी वीडियो देख ली होगी तो आपको ये वाली नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ आएगी। हालांकि इन नोटिफिकेशन में कुछ चेंज है तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे 12 की 12 नोटिफिकेशन का, जिससे आपको सारा लॉ दोबारा से रिवाइज भी हो जाए और नया क्या चेंज हुआ है वो भी आपको पता लग जाए। तो पहली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 16। तो नोटिफिकेशन नंबर 16 क्या चीज कहती है? नोटिफिकेशन नंबर 16 ने ये बोला कि भाई, जो फाइनेंस एक्ट 2021 आया था उसका जो सेक्शन 112 है, हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। उसकी जो डेट रखेंगे वो रखेंगे 1 जून 2021। अब आप कहेंगे, सर सेक्शन 112 क्या कहता था फाइनेंस एक्ट का? तो सेक्शन 112 फाइनेंस एक्ट का इस बात को कहता था, इंटरेस्ट के लेकर, सेक्शन 50 में इंटरेस्ट को लेकर एक प्रोविजन इंसर्ट हुआ था जिसमें यह लिखा हुआ था कि भाई, जो इंटरेस्ट लगेगा वो नेट लायबिलिटी पर लगेगा। तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट इन्होंने रखी है, उसकी जो इफेक्टिव डेट इन्होंने रखी है, उस इफेक्टिव डेट को इन्होंने रखा है 1 जून 2021 से। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये बैक डेट से ही अप्लाई होगा, लेकिन इसकी जो अपॉइंटेड डेट है वो 1 जून 2021 होगी। क्योंकि जितने भी सेक्शन हमारे आते हैं, हर सेक्शन को हमें अपॉइंट करना होता है कि भाई इसकी इफेक्टिव डेट क्या है। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात है नोटिफिकेशन नंबर 17। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? GSTR 1 की जो ड्यू डेट है। यहां पर इस बात को समझना कि कई जगह पर हमने ड्यू डेट्स को बढ़ाया है, कई जगह पर हमने लेट फीस को वेव ऑफ किया है। तो यहां पर GSTR 1 की लेट फीस को हमने वेव ऑफ नहीं किया, हमने क्या करा है, उसकी ड्यू डेट को बढ़ाकर 26 तारीख करा है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो इस वाली नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ते हो तो इसमें दो नोटिफिकेशन का यूज किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 83 और नोटिफिकेशन नंबर 12। तो ये पहले भी दो नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसी नोटिफिकेशन को चेंज करकर जहां पर वर्ड अप्रैल लिखा हुआ था वहां पर वर्ड मई कर दिया। मतलब कि जहां पर इन्होंने अप्रैल की डेट बढ़ाई थी वहीं पर अब इन्होंने मई की भी डेट बढ़ा दी है और 26 जून डेट कर दी है। आपको जब भी नोटिफिकेशन पढ़ो तो ये चीज समझनी है कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन को यूज किया गया, कौन कौन से सेक्शन को यूज किया गया। ये नोटिफिकेशन सेक्शन 37 में आई है जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट GSTR 1 की ड्यू डेट को बढ़ा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 18 की। अब आप मुझे खुद बताना, नोटिफिकेशन नंबर 12 जो हमारी है, नोटिफिकेशन नंबर 18, ये इंटरेस्ट के रिलैक्सेशन की बात करती है, तो ये कौन से सेक्शन में आई होगी नोटिफिकेशन? भैया इंटरेस्ट की बात होती है सेक्शन 50 में। तो सेक्शन 50 के अंदर इस नोटिफिकेशन को लाया गया और सेक्शन 50 में यहां पर ना कुछ चीजों को चेंज भी किया गया। क्या चेंज किया गया? पहले वर्ड लिखा जाता था कि रिक्वायर्ड टू फर्निश सीवी बट फेल्स टू पे टैक्स, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या बोला है, अब इस वर्ड्स को काट दिया गया और यहां पे क्या बोला है कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं दे पाता है, अगर कोई व्यक्ति लायबल टू पे टैक्स बट फेल टू डू सो, इस वर्ड को चेंज किया गया। मतलब कि अब अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देगा तो इंटरेस्ट के उसके लिए प्रोविजन क्या रहेंगे। प्रोविजन में इन्होंने क्या चेंज करा, यहां पर इस चीज को समझना कि 5 करोड़ से अगर ज्यादा है, यहां पर आप समझ लेना 3 तरह के ऐसे होते हैं, पूरी नोटिफिकेशन में हम इसी चीज की चर्चा करेंगे। 3 तरह के हमारे सेसी होते हैं। पहला सेसी कौन? भाई जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। तो 5 करोड़ से ज्यादा के लिए इन्होंने क्या बोला, चाहे मार्च का महीना हो, चाहे अप्रैल का, चाहे मई का, हम 15 दिन तक 9% आपसे इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का रिलैक्सेशन देंगे। तो यहां पर 5 करोड़ से ऊपर वालों को सिर्फ 15 दिन का रिलैक्सेशन है। और अगर मैं बात करूं 5 करोड़ से कम वालों के लिए, इन्होंने क्या करा, सिस्टमैटिक करा है। मार्च के लिए ज्यादा रिलैक्सेशन, अप्रैल के लिए उससे कम और मई के लिए उससे कम। क्या? कि भाई शुरू के 15 दिन नील और अगले 45 दिन 9%। ये है मार्च के लिए। और अप्रैल के लिए क्या है, शुरू के 15 दिन नील, अगले 30 दिनों के लिए 9%। तो यहां पर ये घटते क्रम में इन्होंने ऐसे ये रिलैक्सेशन दिया है। और सेम रिलैक्सेशन इन्होंने किसके लिए दिया है, QRNP वालों के लिए।
सेम रिलैक्सेशन क्यूआरएमपी के लिए। तो ये हमने क्या करा है, इसको सबको टेबुलर फॉर्म में बनाकर अपनी जो हमारी मैगजीन थी जून मंथ का एडिशन उसके अंदर डाला है। सर कब तक आएगा भैया? देखो आज तो नोटिफिकेशन आई है, एक दो दिन हमें दो, सारे को कंपाइल करके दे देंगे। अगर अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं करी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं और फ्री की सैंपल कॉपी भी ले सकते हैं। सर करंट का दोगे क्या सैंपल कॉपी? नहीं भैया, सैंपल कॉपी आपको बैकडेटेड की मिलेगी। इन्होंने साथ में क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए भी, अब यहां पर इस बात को समझना, क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए भी इन्होंने इंटरेस्ट की रिलैक्सेशन दी है, मतलब कि सीएमपी 08 में। लेकिन कब से दी है? जब से हमारी सीएमपी 08 की जो ड्यू डेट है उसके बाद 15 दिन तक तो नील और उसके बाद अगले 45 दिन तक 9%, ये बात इन्होंने यहां पर दी है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ सर, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। अब अगली हमारी नोटिफिकेशन है, अगली नोटिफिकेशन किस चीज की है उस बात को ध्यान रखना। अगली नोटिफिकेशन इन्होंने क्या बोली है, लेट फीस के वेवर की। लेट फीस का वेवर कौन सा? जो कोविड पीरियड की है। लेट फीस का वेवर कौन सा? कोविड पीरियड की। ये आई है सेक्शन 128 में, क्योंकि सेक्शन 128 ये कहता है अगर हम चाहेंगे तो हम लेट फीस वेवर ऑफ कर देंगे। तो लेट फीस ज्यादा वेवर ऑफ नहीं करी है इन्होंने, क्या बोला है, 5 करोड़ से अगर ज्यादा है तो 15 दिन तक की लेट फीस माफ कर देंगे। और इन्होंने उसके लिए क्या बोला है, 5 करोड़ से कम वाले जो मंथली फाइल करते हैं, मार्च के लिए 60 दिन का वेवर ऑफ, अप्रैल के लिए 45 दिन का और मई के लिए 30 दिन का, ऐसे ही घटते क्रम में, क्योंकि मार्च में ज्यादा टेंशन थी तो 60 दिन, अप्रैल में कम टेंशन है 45 और 30, ऐसे ही इन्होंने क्यूआरएमपी वालों के लिए बोला है। क्यूआरएमपी वालों के लिए क्या बोला है कि भाई जनवरी से मार्च की रिटर्न जो तुम्हें अप्रैल तक करनी थी तो हमने तुम्हें 60 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया। कितने दिन का दे दिया? 60 दिन का। तो लगभग हमारी जो डेट्स बैठेगी, यहां पर इस चीज को आपको समझना है, जो हमारी डेट्स बैठेगी मार्च की जो अप्रैल में बैठती, अप्रैल से 60 दिन आप ऐड कर लेना। ये हमने अपनी मैगजीन में चार्ट फॉर्म में दिया है। इसके अलावा इन्होंने जो एमनिटी स्कीम दी है वो आपको क्लियर ही है। अगर आपकी नील रिटर्न है तो 250 रुपए और अगर टैक्स है तो 500 रुपए मैक्सिमम एक रिटर्न पर लगेगा, ठीक है। उससे आगे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो जून 2021 से आगे की रिटर्न होंगी 3B उसके लिए रिलैक्सेशन दी है। जून से लेकर जून जुलाई अगस्त या अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है उसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई 500 रुपए हम तुमसे मैक्सिमम लेट फीस लेंगे अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5, अगर आपकी टर्नओवर नील है, और अगर आपकी 1.5 करोड़ तक है तो 2000 लेंगे, और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 4000 लेंगे, और 5 करोड़ से ऊपर है तो हम तुमसे 10000 लेंगे। वो यहां पर नहीं लिखा, वो सेक्शन 47 में ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 करोड़ से ऊपर के लिए। ये वाला क्लियर होगा? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। फिर इन्होंने कहा है GSTR1 की लेट फीस। भैया GSTR1 में तो लेट फीस लगती नहीं है, लेकिन भैया इनकी तैयारी है, ये जून 2021 से GSTR1 की लेट फीस लेना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई जून 2021 से जो GSTR1 की लेट फीस लगेगी वो भी ऐसे ही लगेगी कि 250 रुपए, और 250 रुपए अगर नील है और उसके बाद टर्नओवर के बेसिस पर। तो आप अपनी कमर पक्की कर लो, जून 2021 के बाद GSTR1 को लेट ना फाइल करना, नहीं तो ये आपसे लेट फीस ले लेंगे। ये सारी हमने अपनी मैगजीन में दिया, आपको इस बार में मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने GSTR1 की लेट फीस की बात करी है, तो GSTR1 की लेट फीस भी इन्होंने कम कर दी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद, मतलब कि GSTR4 अगर 19-20 और 20-21 की है उस पर पुराने प्रोविजन ही अप्लाई होंगे, लेकिन 21-22 के बाद GSTR4 पर भी लेट फीस इन्होंने कम कर दी है। इसके बाद अगली बात करते हैं GSTR7 पे, TDS की रिटर्न जाती है सेक्शन 51 में, उसके बाद भी इन्होंने बोला है कि जून 2021 के बाद इसकी भी लेट फीस को हम कम कर देंगे। तो हर किसी के लिए इन्होंने अलग नोटिफिकेशन निकाली है। ई इनवॉइजिंग में इन्होंने 2 लोगों को रिलैक्सेशन दी है, ठीक है ना, तो इस उसमें भी अमेंड कर दिया गया है, किसमें, रूल 484 में। ये वाली बात भी हम अपनी मैगजीन में डालेंगे। इसके बाद अगर सेक्शन 168A की बात करो, जिसमें अपील वगैरह के लिए टाइम बढ़ाया है, तो ये सारा टाइम भी इन्होंने इस नोटिफिकेशन से बढ़ाया है। इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यूज करते हुए अपनी मैगजीन में केस स्टडी दी है इस महीने में। आप पढ़कर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वो आपको कैसी लगी, कि वो अच्छी है या नहीं। जैसे ही मैगजीन आएगी आप हमें पढ़कर बताना।
फिर इन्होंने क्या करा है, GSTR 4 की डेट को बढ़ाया था, तो इन्होंने उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दी कि भाई GSTR 4 की डेट 31 जुलाई हो गई है, अगर आप 31 जुलाई तक भर देते हो तो कोई लेट फीस नहीं लेंगे, नहीं तो उसके बाद हम लेट फीस लेंगे। इसके बाद और क्या नोटिफिकेशन है, ITC 04 जो जॉब वर्कर को भरना होता है उसकी डेट को 31 मई से बढ़ाकर इन्होंने किसे कर दिया, 30 जून को। जॉब वर्कर के केस में भरना होता है, भरना मैन्युफैक्चरर को पड़ता है कि कितने गुड्स उसके जॉब वर्कर के पास गए, ठीक है, ये नोटिफिकेशन नंबर 26। अब नोटिफिकेशन नंबर 27 में क्या करा है, रूल्स को चेंज करा है। क्या रूल्स को चेंज करा है कि भैया तुम DST से अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो आप EBC से फाइल कर दो 31 अगस्त तक। और इन्होंने साथ में क्या बोला है कि जो रूल 36(4) का इम्प्लीमेंटेशन है अप्रैल मई जून के लिए इकट्ठा कर देना, विद एग्जांपल हम अपनी मैगजीन में दे रहे हैं। और साथ में जो रूल 59 के अंदर IFF की फैसिलिटी होती है उसकी डेट को बढ़ाकर 28 जून कर दिया है। तो यहाँ पर यह बात आपको समझनी है कि GSTR 1 की जो डेट एक्सटेंड होती है वो सेक्शन 37 से होती है, जबकि जो IFF की डेट होती है वो रूल 59 से होती है, इसलिए वहाँ पर इन्होंने ऐसा चेंजेज किया है। सर इसके अलावा कोई और नोटिफिकेशन नहीं है भैया, एक इंटीग्रेटेड टैक्स में आई है, जो सेम CGST में आई है वही IGST में आई है, तो इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ऐसे ही सेम एक UTGST में आई है। तो भैया जो भी हमारी नोटिफिकेशन आती है तो हमारा धैर्य ये रहता है कि उसे सबको कंपाइल करके अपनी मैगजीन में दे दें। तो आज 2 तारीख को ये नोटिफिकेशन सही महीने में आई है, तो 1-2 दिन में हम आपको मैगजीन दे देंगे। अभी बार बार व्हाट्सअप करके मत पूछना कि मैगजीन कब मिलेगी कब मिलेगी, और अगर आपको सैंपल मैगजीन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।